श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 29। रावण का देवसेना के बीच से होकर निकलना, देवताओं का उसे कैद करने के लिए प्रयत्न, मेघनाद का माया द्वारा इंद्र को बंदी बनाना तथा विजयी होकर सेना सहित लंका को लौटना। जब सब ओर अंधकार छा गया, तब बल से उन्मत्त हुए वे समस्त देवता और राक्षस एक दूसरे को मारते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं की सेना ने राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया, शेष सब राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। उस तामस युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। इंद्र, रावण और रावण पुत्र महाबली मेघनाद, ये तीन ही उस अंधकाराच्छन्न सम्रांगण में मोहित नहीं हुए थे। रावण ने देखा, मेरी सारी सेना क्षणभर में मारी गई, तब उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी भारी गर्जना की। उस दुर्जय निशाचर ने रथ पर बैठे हुए अपने सारथ से क्रोधपूर्वक कहा, सूत, शत्रुओं की इस सेना का जहां तक अंत है, वहां तक तुम इस सेना के मध्य भाग से होकर मुझे ले चलो। आज मैं स्वयं अपने पराक्रम द्वारा नाना प्रकार के शस्त्रों की मूसलाधार वृष्टि करके इन सब देवताओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। मैं इंद्र, कुबेर, वरुण और यम का भी वध करूंगा। सब देवताओं का शीघ्र ही संहार करके स्वयं सबके ऊपर स्थित होऊंगा। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, शीघ्र मेरे रथ को ले चलो। मैं तुमसे दो बार कहता हूँ, देवताओं की सेना का जहां तक अंत है, वहां तक मुझे अभी ले चलो। यह नंदनवन का प्रदेश है, जहां इस समय हम दोनों मौजूद हैं। यहीं से देवताओं की सेना का आरंभ होता है। अब तुम मुझे उस स्थान तक ले चलो जहां उद्याचल है। नंदनवन से उद्याचल तक देवताओं की सेना फैली हुई है। रावण की यह बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रु सेना के बीच से हांक दिया। रावण के इस निश्चय को जानकर समरभूमि में रथ पर बैठे हुए देवराज इंद्र ने उन देवताओं से कहा, देवगण, मेरी बात सुनो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इस निशाचर दशग्रीव को जीवित अवस्था में ही भलीभांति कैद कर लिया जाए। यह अत्यंत बलशाली राक्षस वायु के समान वेगशाली रथ के द्वारा इस सेना के बीच में होकर उसी तरह तीव्र गति से आगे बढ़ेगा जैसे पूर्णिमा के दिन उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र बढ़ता है। यह आज मारा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से पुनर्तः निर्भय हो चुका है। इसलिए हम लोग इस राक्षस को पकड़कर कैद कर लेंगे। तुम लोग युद्ध में इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करो। जैसे राजा बलि के बांध लिए जाने पर ही मैं तीनों लोकों के राज्य का उपभोग कर रहा हूँ, उसी प्रकार इस पापी निशाचर को बंदी बना लिया जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। महाराज श्री राम, ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरी ओर जाकर सम्रांगण में राक्षसों को भयभीत करते हुए वे उनके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध से पीछे न हटने वाले रावण ने उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश किया और देवराज इंद्र ने दक्षिण की ओर से राक्षस सेना में। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। राक्षसराज रावण ने उसके भीतर घुसकर समूची देवसेना को बाणों की वर्षा से ढक दिया। अपनी विशाल सेना को नष्ट होती देख इंद्र ने बिना किसी घबराहट के दशमुख रावण का सामना किया और उसे चारों ओर से घेर कर युद्ध से विमुख कर दिया। इसी समय रावण को इंद्र के चंगुल में फंसा हुआ देख दानवों तथा राक्षसों ने हाय, हम मारे गए, ऐसा कहकर बड़े जोर से आर्तनाद किया। तब रावण का पुत्र मेघनाद क्रोध से अचेत सा हो गया और रथ पर बैठकर अत्यंत कुपित हो उसने शत्रु की भयंकर सेना में प्रवेश किया। पूर्व काल में पशुपति महादेव जी से उसको जो तमोमयी महामाया प्राप्त हुई थी उसमें प्रवेश करके उसने अपने को छिपा लिया और अत्यंत क्रोध पूर्वक शत्रु सेना में घुसकर उसे खदेड़ना आरंभ किया। वो सब देवताओं को छोड़कर इंद्र पर ही टूट पड़ा, परंतु महातेजस्वी इंद्र अपने शत्रु के उस पुत्र को देख न सके।
महाप्राक्रमी देवताओं की मार खाने से यद्यपि वहां रावण कुमार का कवच नष्ट हो गया था, तथापि उसने अपने मन में तनिक भी भय नहीं किया। उसने अपने सामने आते हुए मातली को उत्तम बाणों से घायल करके सायकौन की झड़ी लगाकर पुनः देवराज इंद्र को भी धक दिया। तब इंद्र ने रथ को छोड़कर सारथी को विदा कर दिया और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो वे रावण कुमार की खोज करने लगे। मेघनाद अपनी माया के कारण बहुत प्रबल हो रहा था। वो अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा और इंद्र को माया से व्याकुल करके बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। रावण कुमार को जब अच्छी तरह मालूम हो गया कि इंद्र बहुत थक गए हैं, तब उन्हें माया से बांधकर अपनी सेना में ले आया। महेंद्र को उस महासमस्या मेघनाद द्वारा बलपूर्वक ले जाए जाते देख सब देवता ये सोचने लगे कि अब क्या होगा। ये युद्धविजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखाई देता नहीं, इसीलिए इंद्र पर विजय पाने में सफल हुआ है। यद्यपि देवराज इंद्र राक्षसी माया का संहार करने की विद्या जानते हैं, तथापि इस राक्षस ने माया द्वारा बलपूर्वक इनका अपहरण किया है। ऐसा सोचते हुए वे सब देवता उस समय रोष से भर गए और रावण को युद्ध से विमुख करके उस पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। रावण आदित्यों और वसुओं का सामना पड़ जाने पर युद्ध में उनके सम्मुख ठहर न सका, क्योंकि शत्रुओं ने उसे बहुत पीड़ित कर दिया था। मेघनाद ने देखा पिता का शरीर बाणों के प्रहार से जर्जर हो गया है और वे युद्ध में उदास दिखाई देते हैं। तब वह अदृश्य रहकर ही रावण से इस प्रकार बोला, पिताजी चले आइए, अब हम लोग घर चलें, युद्ध बंद कर दिया जाए, हमारी जीत हो गई, अतः आप स्वस्थ निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाइए। ये जो देवताओं की सेना तथा तीनों लोकों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हें मैं देवसेना के बीच से कैद कर लाया हूँ। ऐसा करके मैंने देवताओं का घमंड चूर कर दिया है। आप अपने शत्रु को बलपूर्वक कैद करके इच्छानुसार तीनों लोकों का राज्य भोगिए। यहाँ व्यर्थ श्रम करने से आपको क्या लाभ है, अब युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है। मेघनाद की यह बात सुनकर सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए और इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए। अपने पुत्र के उस प्रिय वचन को आदरपूर्वक सुनकर महान बलशाली देवद्रोही तथा सुविख्यात राक्षस राज रावण युद्ध से निवृत्त हो गया और अपने बेटे से बोला, सामर्थ्यशाली पुत्र, अपने अत्यंत बल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करके आज तुमने जो इन अनुपम बलशाली देवराज इंद्र को जीता और देवताओं को भी परास्त किया है, इससे यह निश्चय हो गया कि तुम मेरे कुल और वंश के यश और सम्मान की वृद्धि करने वाले हो। बेटा, इंद्र को रथ पर बैठाकर तुम सेना के साथ यहाँ से लिंकोपुरी को चलो, मैं भी अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। पिता की यह आज्ञा पाकर पराक्रमी रावण कुमार मेघनाद देवराज को साथ ले सेना और सवारियों सहित अपने निवास स्थान को लौटा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध में भाग लेने वाले निशाचरों को विदा कर दिया।